हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कमला नेहरू नगर केंद्रीय विद्यालय गाज़ियाबाद में जो वैकेंसीज आई हुई हैं उस बारे में। इंटरव्यू फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट, फर्स्ट पॉइंट डाउनलोड कर लेंगे, राइट। तो ये भी वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है। PRT, TGT एंड PGT जिन जिन पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो वॉक इन इंटरव्यू रहेगा 24 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक, राइट। और आपका जो रेज्यूमे फॉर्मेट है इसी में ही नीचे दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा कैफे से, ठीक है। तो हम पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स दी हुई है, हमें क्या क्या करना होगा, नोट पढ़ लेते हैं। पहले तो इन्होंने बोला है कि आप जो ये वेबसाइट से रेज्यूमे अपना फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा और इसकी वेतन संबंधी जानकारी इसी वेबसाइट पर आपको मिलेगी। सेकंड है, साक्षात्कार के समय पूर्ण रेज्यूमे फ़ोटो के साथ मूल प्रमाण पत्र व मूल प्रमाण पत्रों के एक सेट की सत्यापित प्रतिलिपियां लाना अनिवार्य है। मतलब कि इंटरव्यू के दौरान आप जो ये फॉर्मेट है इसको अच्छे से फिलअप करके अपनी फ़ोटो और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज, राइट, और उस सबको आप सेल्फ अटेस्टेड ज़रूर कर लेना। तो ये सब आपको लेके जाना है वहाँ पर इंटरव्यू के दौरान, राइट। एंड ये PGT, TGT ये सब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप कौन कौन इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। नोट, ये DA शैल बी पेड, ठीक है, एंड विजिट दिस वेबसाइट एंड ओके, इन्होंने बोला है डाउनलोड करिएगा यहाँ से। थर्ड में एंड फोर्थ में बोला है इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम इन स्कूल एट 9 AM। तो मेरे हिसाब से आपको 8:30 तक कॉलेज स्कूल में पहुंच जाना जरूर, मतलब पहुंच ही जाना चाहिए, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट है, कैंडिडेट शुड बी फ्लुएंट इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। हिंदी इंग्लिश आप दोनों में पढ़ाने में आपकी टीचिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, राइट। एंड सिक्स है आपका, कैंडिडेट शुड बी कंप्यूटर लिटरेट, आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ओके। दिस पोस्ट, द पोस्ट फॉर द इंटरव्यू इज़ टू बी कंडक्टेड आर कम्प्लीटली टेम्प्रेरी, ठीक है, ये परमानेंट नहीं होती, टेम्प्रेरी होती है। जैसे किसी भी पोस्ट के लिए अगर कोई टीचर अवेलेबल नहीं है तो वो आपको कॉल करते हैं, कभी कभी 1 महीने का होता है कॉन्ट्रैक्ट, या 2 महीने का, या 6 महीने का, या 1 साल का कितना भी हो सकता है, ठीक है। एंड इट डज नॉट एजर्ट एनी राइट फॉर रेगुलराइजेशन, आपको ये रेगुलर नहीं करेंगे, ठीक है। सैलरी KVS के नॉर्म्स के हिसाब से होंगी। 9th है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, वो आपको बता दिया है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए आपके फोटोकॉपीज। एंड 10th है, ओके, द डिसीजन ऑफ इंटरव्यू बोर्ड विल बी फाइनल, ठीक है। आपको सिर्फ वहाँ पर इंटरव्यू देना है और आपको बाद में बताया जाएगा, मतलब या फिर लिस्ट इसकी तैयार होगी कि कौन कौन सिलेक्ट हुआ है इंटरव्यू के लिए, वो कॉल करेंगे या लिस्ट आपका इसकी इनकी वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, तो आपको वहाँ से देख लेना है। 11th है आपका, सेलेक्टेड टीचर्स विल बी कॉल्ड एज पर वॉन्ट, या अभी बताया मैंने आपको, ठीक है, कॉल किया जाएगा जब भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और जब भी वहाँ वैकेंसी होगी तो आपको कॉल किया जाएगा। 12th है आपका, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर TGT सोशल साइंस मस्ट हैव ज्योग्राफी हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन डिग्री, ये आपका फॉर्म का फॉर्मेट है, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर वो पोस्ट आएगी। जैसे आप PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर PGT आएगा, अगर आपको TGT के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ TGT आएगा, अगर आपको PRT के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर PRT आएगा,
ठीक है। और अगर आप कोई सी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर वो आएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर अपना फिल कर दीजिएगा यहाँ पर, नेम ऑफ द कैंडिडेट अपना नेम लिखिएगा कंप्लीट, नेम ऑफ द फादर और हस्बैंड, ठीक है, अपने फादर का नेम या फिर अपने हस्बैंड का नेम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ अपना, ठीक है, एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस अपना एड्रेस लिखिएगा, ईमेल एड्रेस लिखिएगा, पैन नंबर या आधार नंबर, ठीक है, जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिएगा। वेदर बिलोंग्स टू एससी एसटी ओबीसी, आप एससी एसटी ओबीसी जिसे भी बिलोंग करते हैं आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। राइट में आपको अपना फोटोग्राफ पेस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पर लगा लीजिएगा। आपको यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिल करनी है, राइट, नीचे आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ओके, प्रोफेशनल मीन्स यहाँ पर आपको आएगा आपका बीएड, राइट, आपका बीएड के बारे में यहाँ पर आएगा बीएड या फिर सीटेट, सीटेट के बारे में भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, राइट, जैसे एग्ज़ाम पास्ड, इसके नीचे फर्स्ट कॉलम पे आपका आएगा बीएड एंड आपका ईयर लिख दीजिएगा, डिवीज़न लिख दीजिएगा, परसेंटेज एंड आपका जो भी बोर्ड यूनिवर्सिटी है वो लिखिएगा, आपने जो सब्जेक्ट आपके थे वो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। तो टीचिंग एक्सपीरियंस, अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, तो वो आपको प्रेफर करता है, अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आपके लिए गुड, मतलब बहुत अच्छा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको प्रेफर करेंगे वो, ठीक है, बाकी स्टूडेंट से। और आप सीटेट क्वालिफाइड है तो आपको तब भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक, आर यू क्वालिफाइड सीटेट एसटेट एग्ज़ाम, तो यहाँ पर अगर आप क्लियर है तो आप यस करिएगा, ठीक है। आप ये डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको अगर नॉलेज है कंप्यूटर की तो यस करिएगा। आर यू रिटायर्ड केवीएस एम्प्लॉई, ठीक है, ये सब आप अपना अच्छे से फिल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको अपने परसेंटेज लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आई सर्टिफाइड दैट द अबव इंफॉर्मेशन इज़ गिवन बाय मी इज़ करेक्ट फ्रॉम दिस, तो ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ चेकर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये जो आपका फॉर्म चेक करेंगे वो यहाँ पर अपना नेम एंड सिग्नेचर करेंगे। आपको राइट में जहाँ कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा है वहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये फॉर्म आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो फोटोकॉपीज होंगी सेल्फ अटेस्टेड, उसके साथ आपको गाज़ियाबाद कमला नेहरू नगर गाज़ियाबाद, ठीक है, यहाँ केवी स्कूल में आपको सबमिट करना है, राइट, और 24 तारीख को सुबह 9 बजे,